अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अज़ान अहमद एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। एंड लास्ट ईयर आई गेव माय नम्स टेस्ट एंड आई सिक्योर्ड 94.703% मार्क्स, दैट वर द हाईएस्ट मार्क्स इन केपीके। सो द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू गाइड दो स्टूडेंट्स ऑफ केपीके हु वॉन्ट टू गिव द नम्स टेस्ट एंड वॉन्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स। लेकिन सबसे पहले हम नम्स के बारे में बात करते हैं कि नम्स का टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है और किन लोगों को देना चाहिए। तो नम्स का टेस्ट इज़ फॉर नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस, जिसमें सबसे पहले एएमसी रावलपिंडी आता है जिसमें मेरिट बेस्ड सीट्स होती हैं। उसके अलावा सीएमएच बहावलपुर है, लाहौर है और दूसरे अदर मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस नम्स के साथ एफिलिएटेड हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है जिसकी ऑलमोस्ट 50-100 सीट्स होती हैं फॉर द सिविलियंस, तो दैट आर मेरिट बेस्ड, या जिसे आप कह सकते हैं कि सब्सिडाइज सीट्स होती हैं। तो एंड मोस्टली गर्ल्स के लिए चांस होता है टू गेट इन टू आर्मी मेडिकल कॉलेज बिकॉज वाया मेडिकल कैडेट कोर्स गर्ल्स कैन नॉट इंटर इन टू आर्मी मेडिकल कॉलेज, द ओनली ऑप्शन फॉर देम इज़ नम्स, क्योंकि नम्स के थ्रू ही वो एएमसी में इंटर हो सकती हैं। बात करते हैं नम्स के डिफ़िकल्टी लेवल की, तो नम्स का डिफ़िकल्टी लेवल कम्पेयर टू यूएचएस और कम्पेयर टू ईटा कम होता है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। लेकिन एज़ यू नो कि इस दफ़ा जो है टेस्ट की डेट्स जो हैं वो ईटा या स्पेशली अगर मैं केपीके की बात करूँ, केपीके में ईटा है तो वो ईटा के बाद आ रही हैं। अदरवाइज़ लास्ट ईयर इस तरह था कि नम्स की डेट्स जो थी वो ईटा से पहले थी, तो ऑब्वियसली एवरीवन गेव नम्स के एक तरह तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ईटा में कैसे परफॉर्म करना है। और दूसरा ये कि नम्स के बाद ईटा के लिए अच्छा खासा एक महीने का टाइम गैप था जिसमें आप दोबारा से फिर ईटा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो है जो आपके पास टाइम फ्रेम है वो काफ़ी शॉर्ट है, लाइक विद इन डिफरेंस ऑफ अ वीक नम्स का और ईटा का टेस्ट है। तो वो लोग जिन्होंने नम्स का टेस्ट भी देना है ईटा का टेस्ट भी देना है, सो दे माइट बी कन्फ्यूज कि अब हम लोग क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें और किस तरह टेस्ट दें। तो लास्ट ईयर तो इस तरह था कि नम्स का टेस्ट देकर हम फारिग हुए थे, तो वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर ईटा। लेकिन इस दफ़ा ऐसे है कि ईटा का टेस्ट पहले और नम्स का टेस्ट बाद में, तो आपको पहले ईटा की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद नम्स की प्रैक्टिस करनी है। फॉर दोज हु आर फ्रॉम केपीके और उन्होंने नम्स भी देना है, तो नम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि नम्स का टेस्ट होता किस तरह का है और उसमें एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं और कौन कौन सी बुक्स से आते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखें कि फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स इज़ सेम वेदर यू आर गिविंग फॉर यूएचएस, वेदर यू आर गिविंग फॉर ईटा, वेदर यू आर गोइंग सिजैम्बू या फिर आप नम्स, फिज़िक्स सेम ही है। लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस नम्स में आता है। नम्स एक तो केपीके की टेक्स्ट बुक को फॉलो करता है फॉर मेकिंग द एमसीक्यूज, और दूसरी बात ये कि नम्स के अंदर मोस्टली बुक लाइंस, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटीज, इनकी डेफिनेशन, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है डेफिनेशन पूछ के तो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे कि ये किस चीज़ की, ये किस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यू मस्ट गो थ्रू योर इंटायर फिज़िक्स बुक्स बिकॉज केपीके की स्पेशली, क्योंकि फेडरल में भी केपीके ही पढ़ाई जाती है। अगर आप बुक को रीड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके एमसीक्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं वो इंतहाई ईजी किस्म के होते हैं, एज लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा ईजी थे। उससे पहले कि भी मैंने पास्ट पेपर्स के देखे हैं, बज़ दफ़ा मुश्किल भी आ जाते हैं, नो डाउट के टफ भी आ जाते हैं समटाइम्स। नाउ मूविंग टू वर्ड्स केमिस्ट्री, एज यू नो केमिस्ट्री में केपीके का जो कॉन्टेंट है केमिस्ट्री का काफ़ी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड एक्स्ट्रा रिएक्शंस और एक्स्ट्रा चीज़ें एडिशनल एडेड हैं। तो नम्स के टेस्ट का जो केमिस्ट्री पोर्शन होता है वो मोस्टली पंजाब बुक से बनता है, बिकॉज लास्ट ईयर भी टेस्ट में 5 से 6 ऐसे एमसीक्यूज थे कि जो केपीके के स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे थे या केपीके के स्टूडेंट्स ने उनको पढ़ा हुआ नहीं था, तो वो पंजाब बुक से आए हुए थे। तो पंजाब बुक से एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं केमिस्ट्री में, लाइक वो टॉपिक्स जो केपी में नहीं है वो पंजाब बुक में है और वहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो नम्स की बायो इज़ ऑल फ्रॉम योर फेडरल। इफ़ यू गो थ्रू योर फेडरल बुक तो आप इजीली नम्स की बायो को क्रैक कर सकते हैं, लाइक इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश इज़ एज ऑलवेज जनरल, वोकेबलरी तो हमेशा अननोन या अनसीन ही आती है। इंग्लिश में मोस्टली ग्रामर पोर्शन होता है और ग्रामर पोर्शन इज़ ऑल अबाउट योर
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो आप ईटा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होपफुली कि वही वाली जो ग्रामर है नम्स के टेस्ट में भी आएगी, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नरेशंस पंक्चुएशंस यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो जिन पर MCQs जिनकी एक्सेप्शंस पर MCQs जो है वो आ रहे होते हैं। उसके बाद एक और लास्ट ईयर एक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, वो था एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब जो आपने एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट पूरा दे दिया अपना, उसके बाद 30 मिनट्स का आपका एक और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। लास्ट ईयर उसकी परसेंटेज 5% थी, और उसमें थोड़ी सी एक ट्रिक होती है कि आपको न्यूट्रल सेलेक्ट नहीं करना होता, आपने अपनी ओपिनियन देनी होती है, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, और बस आप स्टेटमेंट पढ़ें। इट्स जस्ट टू चेक योर साइकोलॉजी के जो 5% MCQs होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, दीज आर जस्ट टू चेक योर मेंटल हेल्थ, आप मेंटली सही हैं या नहीं हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, दैट्स ऑल फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। और अगर हम दूसरे सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं, तो देर आर अबाउट 150 MCQs जिनमें 80 MCQs बायोलॉजी के होते हैं, और 60 फॉर केमिस्ट्री एंड 40 फॉर फिजिक्स एंड 20 फॉर इंग्लिश। अब सैड रियलिटी ये है कि नम्स या AMC की सीट्स आर अबाउट 100, और उन 100 सीट्स में आपके साथ पंजाब सिंध बलोचिस्तान एंड इवन सम फॉरेन कैंडिडेट्स जो हैं वो भी कम्पीट कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कि वो डेसिमल्स में परसेंटेज चली जाती है आफ्टर योर रिजल्ट इज़ आउट। आई एम नॉट हेयर टू डिग्रेड समवन, लेकिन इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज एज इन माई केस आई सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, बट बिकॉज ऑफ माई लो FSC आई वॉज अनएबल टू गेट इन टू आर्मी मेडिकल कॉलेज। सो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ फैक्ट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ईटा की बात करते हैं, तो दे आर अबाउट 800 सीट्स, इट्स ओनली फॉर द KPK स्टूडेंट्स, तो यू हैव अ वेरी ग्रेट मार्जिन टू गो इन टू अ मेडिकल कॉलेज वाया गिविंग ईटा टेस्ट। तो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट AMC, और उनको लगता है कि उनका FSC स्कोर भी इतना ज़्यादा है एंड दे कैन अचीव वेरी गुड इन नम्स, और वो फिर AMC में जा सकती हैं। तो उन लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी या एक प्लान बनाना ज़रूरी है, ताकि उनका ईटा भी ख़राब ना हो और उनका नम्स भी अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि फिज़िक्स तो ऑलमोस्ट सेम है आप लोगों की, तो फिज़िक्स आप जिस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही करें। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश भी जिस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं सेम यू विल गो फॉर नम्स। पीछे मसला रह जाता है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो बायोलॉजी जो है नम्स की, वो टोटली फेडरल से आती है, और फेडरल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्टेंट है दैट इज़ नॉट इन योर KP बुक। तो अगर आप इस टाइम पर फेडरल को पढ़ते हैं, जो KPK के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने KP बोर्ड पढ़ा, तो वो फेडरल को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो एक फेडरल की बुक जिसमें से MCQs आते हैं नम्स में, और दूसरा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज़ फ्रॉम मोस्टली पंजाब में, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। जो चीज़ें आपको एडिशनल पढ़नी पड़ेंगी नम्स के लिए, वो है एक पंजाब की बुक और दूसरा फेडरल की बायोलॉजी है। ये दो बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी टू एस और टू सिक्योर गुड मार्क्स इन नम्स।